नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश हाटी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सुबह की कारोबारी सत्र में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कमोडिटी बाजार किस हिसाब से खुलता हुआ नजर आ रहा है और उस पर रूपा जी की क्या राय है। तो सबसे पहले कमोडिटी बाजार में शुरुआत करें हम यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। तो जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजारों के अंदर सोना इस वक्त $1793 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बात करें चांदी की तो चांदी के अंदर आधे फीसदी की गिरावट देखने को मिल रही है और $23.7 प्रति ट्रॉय औंस पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि आज सोने के अंदर तेजी, वहीं चांदी के अंदर मंदी के साथ इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट मार्केट के अंदर कारोबार किया जा रहा है। हमने सोने को बीते कारोबारी सप्ताह $1800 के नीचे कारोबार करते हुए देखा था। 1730-1740 तक के भी लेवल्स हमने सोने के अंदर आते हुए देखे थे, फिर वहाँ से एक रिकवरी बनती हुई नजर आई है। आपको बता दें कि ये जो फेडरल रिजर्व बैंक की तरफ से इकोनॉमिक सर्वे और इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके ये जो बयान निकल के सामने आ रहे हैं और डॉलर में जो तेज़ी देखने को मिली थी, जो स्टेडीनेस देखने को मिली है, उसकी वजह से सोने चांदी की कीमतों में उठापटक का माहौल देखने को मिल रहा है। बात करें यहाँ से अगर कच्चे तेल की तो देखने की WTI इस वक्त $69 पर और ब्रेंट क्रूड ऑयल $73 पर कारोबार करते हुए नज़र आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आज जो कच्चा तेल है वो आज एक हल्की सी तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि कच्चे तेल ये जो अमेरिका है और US है उनके बीच के जो व्यापार है उनमें जो कच्चे तेल को लेकर जो बातचीत चल रही है उसकी वजह से कच्चे तेल कीमतों में एक उठापटक का माहौल देखने को मिल रहा है। तो आज नॉन एग्री कम्युनिटी में क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका माग्राम सीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी देख रहे हैं कि आज सोने के अंदर एक हल्की बढ़त बनती हुई नजर आई है, $1800 के करीब जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बात करें चांदी की तो चांदी में इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है आज सोने और चांदी में क्या रणनीति सही रहेगी? देखिए, सोने के अंदर तो अभी भी बाउंस बैक जो है वो आज देखने को मिल रहा है और जो गिरावट आई थी वो थमती हुई नजर आई है, वापस से निचले स्तरों पर खरीदारी देखने को मिली है। एज यूजुअल सोना जो है एक रेंज के बीच में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव ही है, कोई बहुत ज्यादा अभी मंदी के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 1780 से 1820 की रेंज में सोना फिलहाल घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी ही रखनी चाहिए, सोने के अंदर निचले स्तर पर खरीदारी की ही रणनीति होनी चाहिए। सेम एज इट इज सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के अंदर भी निचले स्तरों से वापस से बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दे सकता है। ओवरऑल सोना और चांदी में बहुत ज्यादा गिरावट के अब उम्मीद दिखाई नहीं देती है, अब यहाँ से निचले स्तरों पर खरीदारी हावी होते हुए दिखाई दे सकती है। तो मुझे लगता है कि इनमें बाइंग में ही रहना चाहिए। चांदी आज नीचे में इंट्राडे में हो सकता है 63,000 या 62,800 तक आपको लुढ़कती हुई दिखाई दे, वहां पर खरीदारी की रणनीति बना सकते हैं। सोना भी अगर हम देखें तो अक्टूबर वायदा के अंदर नीचे में 46,800 के आसपास आए तो वहां पर बाइंग की जा सकती है, ऊपर में 47,000-47,200 का स्तर मैक्सिमम अपसाइड में जा सकता है। फिलहाल एक रेंज बाउंड है मार्केट, तो इस रेंज बाउंड के अंदर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी ही निचले स्तरों पर लेकर चलना चाहिए। जी यहीं से रूपा जी बात करें अगर क्रूड ऑयल की तो देख रहे हैं कि आज एक हल्की बढ़त बनती हुई नजर आई है, इंटरनेशनल मार्केट में हरे निशान पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं ब्रेंट और WTI, तो आपको क्या लगता है अब कच्चे तेल में यहाँ से तेजी आएगी या मंदी? एक बार फिर से डिमांड जो है वो हावी होती हुई दिखाई दे रही है और वापस से स्थितियां नॉर्मल होती दिखाई दे रही है, जिससे कच्चे तेल में डिमांड पिकअप के चलते वापस से बाउंस बैक आता हुआ कीमतों में दिखाई दे रहा है। दरअसल डिमांड और सप्लाई की वजह से ही ये उठापटक का माहौल जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन फिलहाल कच्चा तेल तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ट्रेंड पॉजिटिव बन रहा है, $70 के ऊपर सस्टेन होता है WTI तो $72 तक ऊपर जा सकता है। सेम एज इज ब्रेंट की बात करें तो $75 तक ब्रेंट में भी ऊपरी स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए कच्चे तेल के अंदर भी इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से बाइंग करके चला जा सकता है। जी ये सर ऊपर जी बात करें अगर बेस मेटल्स की तो बेस मेटल्स में आपको क्या लगता है आज कैसा बाजार देखने को मिल पाएगा? देखने की कॉपर इंटरनेशनल मार्केट में बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश, मैंने पहले भी बोला था कि इनमें बेस मेटल में कहीं पर भी कोई गिरावट का आसार नहीं है, जो भी गिरावट आती है उसमें खरीदारी की रणनीति होनी चाहिए। आप देखिए, कॉपर 700 के नीचे लुढ़का जरूर था लेकिन वापस से बाउंस बैक आया और आज 740 पर हम सितंबर वायदा को ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। तो फिलहाल तेजी का ही माहौल है, आगे और तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। निकल को देखिए, 1520 के ऊपर निकल चुका है, एक अच्छी रैली निकल ने भी दिखाई है, हमने लगातार निकल में बाइंग का रिकमेंडेशन दिया और अभी भी मुझे लगता है कि 1540 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी के चलते निकल 1560-1580
ऊपर जा सकता है। तो इन दोनों ही कमोडिटीज में अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। अब जिंक में भी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 260 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल बेस मेटल्स के अंदर भी खरीदारी की रणनीति होनी चाहिए। इंट्राडे में भी आज आप बाइंग करके चल सकते हैं जी। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की, जाना रूपा जी से कि आज नॉन एग्री कमोडिटीज का बाजार कैसा देखने को मिल पाएगा और किस नॉन एग्री कमोडिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी और क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे। फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं बस इतना ही, लेकिन आपको एंजॉय नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट एमसी पर।